नकली नोट बनाकर उसका कारोबार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर कटनी पुलिस ने लाखों के नकली नोट बरामद किए। कटनी पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने प्रेस वार्ता के जरिए नकली नोट के काले कारोबार का खुलासा करते हुए बताया कि कटनी पुलिस को सूचना मिली थी कि दमोह निवासी रामचंद्र नामदेव जिले में नकली नोट लेकर आया है, जिसे गिरफ्तार करके उसके पास से 56 नग 100-100 रुपयों के नकली नोट जब्त किए। आरोपी से की गई पूछताछ में जानकारी मिली कि रायपुर निवासी विशाल इसवानी नकली नोट छापता है। इस सूचना पर पुलिस टीम गठित की जाकर रायपुर भेजी गई, जिन्होंने रायपुर में छापामार कार्यवाही करते हुए विशाल इसवानी और उसके साथी इमरान कुरैसी को गिरफ्तार किया, जिनसे 1,92,800 रुपए मूल्य के 100-100 रुपयों के नकली नोट जब्त किए। साथ ही नोट छापने में प्रयुक्त मशीनें भी मौके से जब्त की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो रायपुर में लोग मिले इनके पास से 1,92,000 रुपए के 100 रुपए के नोट, क्योंकि ये डिलीवरी देने हैं, वो मिले बस स्कैनर और कुछ मटेरियल मिला। कटनी से आरबी गुप्ता की रिपोर्ट।